व्हाट्सएप पे बात की थी तो वही व्हाट्सएप पे आया था। कई बार होता ना, कई सारे ऐसी ना अच्छा होता है, कई बार होता है कि नहीं वो ये ना। हाँ बात तो सही है आपकी, है तो लहंगा ही लग रहा है। चलो ले ही लेती हूँ, जी पे करूँगी मैं, ठीक है कोई बात नहीं। हेलो 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 हेलो, ये देखो मेरा नई डिलीवरी आई है, अभी मैंने ली थी ना उससे वीडियो भी बनाई थी मैंने। और ये आया है ब्लू डॉट से और साइट का नाम है सस्ताबाजार.com। अब मुझे नहीं पता, एक अननोन साइट पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है जब कोई साइट जिसके ऊपर कोई नाम वगैरह नहीं लिखा होता, उसके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो जब मैं कुछ ले रही थी, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी और मेरे को भी लग रहा था कि पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, सही भी होगा या नहीं होगा, पता नहीं ना होता कि अननोन साइट का। ऊपर से आप कितने का है ये पैकेज? ये है 1650 का। और इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें है खोल के बताऊँगी। अब वही बात है, मैंने उनको बोला भाई व्हाट्सएप पे हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि, मैंने जो पूछा कि अगर नहीं चीज़ पसंद आई तो मैं क्या करूँगी, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके बोला, कहते कि आप एक वीडियो बना लेना अनबॉक्सिंग की, वो हमें सेंड कर देना, ठीक है ना। तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो बनानी है तो क्यों ना मैं अपने चैनल पे डाल दूँ, है ना। तो मैं अपने चैनल पे आपको ये ओपन करके बताऊंगी कि ये क्या है, कैसा है, किस तरह का, और प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, वेट के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है। और बेचारा मेरा जो हमारे जो डिलीवरी पर्सन जो आते हैं ब्लू डॉट से, जो डिलीवरी बॉयज आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मैम अननोन साइट है, इसके ऊपर अगर आप पेमेंट कर दे दोगे उसका हम भरोसा भी नहीं कर सकते, तो आप देख लो अगर आपको लेनी है या नहीं। मैंने उससे पूछा वेट कितना है, उसने कहा 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। तो लहंगा चलो इतने का तो इतना तो भारी होना ही चाहिए, है ना, कोई अच्छी चीज़ होगी तो फिर वेट से पता थोड़ा थोड़ा चल जाता है। तो अब मुझे नहीं पता है कि इसमें कैसा प्रोडक्ट है कैसा नहीं है। सस्ताबाजार.com, अगर ये अच्छा हुआ ना मैं एक और चीज़ ऑर्डर करूँगी, ठीक है ना। और आपको भी मैं बता ही देती हूँ कि आप अननोन साइट एक है तो आप उससे जा सकते हो या नहीं जा सकते। ये मेरी गलती से या मेरी अच्छे ओपनिंग से आपको भी पता चल जाएगा कि ये चीज़ अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो चलो फिर ओपन करते हैं, और पहले मैं देखूंगी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, एक बार मैं चले चेक कर लेती हूँ। तो चलो फिर ओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाती हूँ, है ना। अनबॉक्सिंग देखो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, फिंगर क्रॉस अच्छा होना चाहिए। और पहले मैं थोड़ा सा ना कावा पी लेती हूँ अपना। कल मम्मी हिमाचल गए थे, वहाँ से उन्होंने ना आम पापड़ लाया, अब खाओगे। अब चाय के साथ आम पापड़ का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। दनेरी से हिमाचल से आम पापड़ बड़ा टेस्टी होता है, खट्टा मीठा, थोड़ा सा सौर, थोड़ा सा मीठा स्वीट आम पापड़। मम्मी ने पीछे अभी मशीन लगा दी है, क्या बोलते हैं उसको। आज हमारा पुग्गे का व्रत भी है। पुग्गा पता है? पुग्गा क्या होता है? तिल और गुड़ का ना वो बनाते हैं, मिक्सचर बना के पुग्गा बनाया जाता है। तिल वाइट तिल और जिसको सिसमन बोलते हैं, एंड गुड़ स्वीट ब्राउन शुगर। चलो ओपन करते हैं। फिंगर क्रॉस यार अच्छा होना चाहिए। मेरे को बड़ा डर लग रहा है। ये देखो लग रहा है कुछ अच्छा आया होगा। वाओ प्यारा यार। पता है मैंने ये सोचा था अगर ये आ जाएगा ना तो मैं इसको बैंगल सेरेमनी पे पहनूंगी, अपनी बैंगल सेरेमनी तब पहनूंगी। पता है ना आपको बैंगल सेरेमनी क्यों होगी? 18 को आप सब इनवाइटेड हो, ठीक है ना। अभी पैकिंग वाली स्मेल है। ये देखो इन्होंने इयरिंग्स भी भेजे हैं इसके साथ, देखो प्यारे प्यारे क्यूट से इयरिंग्स भेजे हैं मेरे को। चलो ओपन करते हैं, खोले, चलो खोलते हैं। पता है मैंने उनसे बार बार पूछा केन है केन है केन है, फील करके लग रहा है कि केन है। और क्यूट से इयरिंग्स उन्होंने मुझे भेजे हुए हैं, देखो प्यारे प्यारे इयरिंग्स भेजे हैं उन्होंने मुझे। खोल के दिखूं, इतने प्यारे से छोटे से इयरिंग्स भेजे हैं उन्होंने मेरे को। ये अच्छे हैं, आवाज देखी। मेरे मुंह में आम पापड़ डाला हुआ है। ओह गॉड, ये दुपट्टा है आई थिंक, दुपट्टा नाइस। मेरी बैंगल सेरेमनी के लिए अच्छा है। मैंने ब्राउन कलर, मैंने चॉकलेट कलर ऑर्डर किया था। यू कैन सी द कलर। लाइट ऑन करूँ या एक और? पता कौन सा कपड़ा है ये? तसर, तसर सिल्क, पता है आपको? तसर सिल्क, TUSSAR, तसर सिल्क है वो, ऐसा कपड़ा है। और ये है आपका वाओ लहंगा, लहंगा लहंगा। और इसके नीचे केन लगी हुई है, ये देखो नाइस। 1650, 1650 केन लगी हुई है इसके अंदर, केन लगी है, केन लगी हुई है। अब पेंडिंग क्या बचा है? उन्होंने बोला था ब्लाउज के साथ, इसके साथ वो भी देंगे। तो एक दुपट्टा है, ब्लाउज नहीं है इसमें, है ये रहा ब्लाउज पीस है, ब्लाउज है, ब्लाउज है। सो मैं साइड साइड पे ट्राई करके दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा है लहंगा, नाइस। और ये दुपट्टा है और ये ब्लाउज पीस है। ब्लाउज के अंदर इनर नहीं दिया है इन्होंने मुझे, मतलब ब्लाउज के साथ ना इनर नहीं दिया है। लेकिन ब्लाउज, लेकिन बिना इनर के ब्लाउज बनता भी नहीं है देखा जाए तो। लेकिन ब्लाउज भी अच्छा है, कपड़ा भी ठीक है। ये मैं आपको पहन के, मैं लगा के दिखाती हूँ अपने पे कैसा लगेगा। ये ब्लाउज है, आगे का आई थिंक ये आगे का पार्ट है ये, और पीछे का पार्ट है। लेट मी शो यू प्रॉपरली, ठीक है, दिखाती हूँ। अब मैं लहंगे की ड्रेपिंग कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं। तो मैं ये ब्लाउज का पीस ना यहीं पर अटका रही हूँ इसको। मुझे नहीं पता यार कैसे अटकाते हैं, ऐसे अटका दूँ, इसके साथ ऐसे अटका देती हूँ। उनको ट्राई करके दिखा लूँगी कैसा लग रहा है मेरे पे मेरा लहंगा। और ये रहा लहंगा जो कि टैसल्स भी है इसके साथ। ओए माँ, ये देखो, ये देखो, इतने प्यारी है। अनस्टिच्ड है या स्टिच्ड है मुझे नहीं पता। ये मेरे को आ जाएगा। वाओ मुझे ड्रिपिंग करना नहीं आता, ठीक है। अब मैं ड्रिपिंग कैसे करूँ, उसको बांधूँ कैसे, मुझे समझ में नहीं आया आ रहा। इसको बांधूँ कैसे? अरे टैसल्स कैसे करके लटकाती हूँ उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कैसे करूँ। ऐसे करते हैं। लहंगा भारी है, मस्त मस्त मस्त। अब इसको मैं क्या करूं, लगाऊंगी इसके साथ बेल्ट देखती हूँ। अटका ही दिया मैंने लहंगा अपने पे इसी तरह से ना। और ये इसका दुपट्टा या ब्लाउज छोड़ो, दुपट्टा देखती हूँ वो ब्लाउज वाला सिस्टम। ये ब्लाउज पीस है, ठीक है। और ये दुपट्टा आ गया। सो वाव, ये दुपट्टा आगे से ठीक है। मुझे वाओ, हाउ इज इट, कैसा है दिखाओ। बेस्ट है ना। ये इसके टैसल्स, ये प्रॉपर लहंगा एंड इसका दुपट्टा ऑसम 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 ऑसम। ये मैं बैंगल सेरेमनी पे पहनूंगी। और इन्होंने जो इयररिंग्स भेजे हैं ना, क्यूट है, बहुत क्यूट है। बट मैंने फ्रेंड से ना एक सेट मंगवाया हुआ है तो मैं वो पहनूंगी। तो लास्ट लुक, तो फाइनल लुक तो वो आपको बाद में ही आएगा। फिलहाल के लिए जो मैंने ये वीडियो आपको रिव्यू के लिए बनाई थी, सस्ताबाजार.com, गुड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लहंगा, बहुत प्यारा है, बड़ा सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू, आई लाइक इट। मेरा तो अभी पहनने का मन कर रहा है, मैं अभी पहन लूँ। सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। थैंक यू, अभी एंड करते हैं ठीक है ना। आपको कैसा लगा बताना, एंड डोंट फॉरगेट, अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, ओके, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके। 2 दिन से वैसे भी मैंने वीडियो नहीं डाली है, मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो हो गई ठीक है। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा, बाय। कैसा लगा मेरा लहंगा, अच्छा है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी, वो ये कि मैंने डिलीवरी चार्ज अलग दिया था। COD पे उन्होंने डिलीवरी चार्ज मेरे से 175 पहले से ही ले लिया था ठीक है ना। 175 डिलीवरी चार्ज हो गया, प्लस हो गया 1650, तो टोटल हो गया 1825 ठीक है ना। तो 1825 में मेरे को ये लहंगा प्यारा सा क्यूट सा पड़ा है। मैंने अपनी तरफ से सस्ते, सबसे लो रेंज वाला मंगवाया था। और भी कलर थे प्यारे प्यारे, लेकिन मैंने ये कॉफ़ी कलर मंगवाया। इसमें 4 कलर थे, ब्लू, वाइन एंड कौन सा था, ग्रीन। तो ग्रीन मैंने नहीं मंगवाया, वाइन कलर का मैं कुछ और पहन रही हूँ। और कौन सा, ब्लू कलर नहीं मैंने लिया। तो मैंने सोचा कॉफ़ी कलर ट्राई करते हैं, तो थोड़ा सा ना बाद में भी पहना जा सकता है, तो इसलिए फिर मैंने ये इसको रिकमेंड किया था। रिकमेंड नहीं, अपने लिए मैंने ब्लू कॉफ़ी कलर चूज़ किया। तो अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो वो भी ले सकते हो आप ठीक है ना। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि अनबॉक्सिंग किया है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं दोबारा, सी यू, टाटा, सायोनारा। और टाइम वेस्ट करते हैं ठीक है ना। और ट्यूशन ब्लॉग आज भी आएगा, ट्यूशन ब्लॉग 31 तक तो आएगा ही ठीक है ना। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, ओके, प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाना, डोंट गो विदाउट लाइक। एंड कमेंट पक्का करना कि कैसा लगा ठीक है ना। एंड शेयर तो आप करते ही होंगे, नहीं करते, कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ठीक है ना। एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। बाय।